नमस्कार, EMS की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। आज हमारे साथ है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जी। आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह अब विधानसभा चुनाव में महिलाओं की स्थिति किस तरह से मजबूत होगी। स्वागत है मैम आप। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आप अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हम भोपाल आई हैं, तो अब किस तरह से महिलाओं को, महिला कांग्रेस को स्पेशली सशक्त करने के लिए किस तरह से प्रयास करेंगे? देखिए, महिला कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन तो है, मजबूत संगठन है, और निश्चित ही महिला कांग्रेस में काफ़ी ऐसी महिलाएं जो चुनाव लड़ सकती हैं, जीत सकती हैं, क्योंकि कई महिला कांग्रेस में रहते हुए वो कई चुनाव जीती हैं। निचले चुनाव मेयर भी हैं, रेखा वर्मा जी देवासी मेयर हैं, वो भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। हमारी जिला पंचायत में कई महिलाएं हैं जो अब जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसी सभी बहनों के लिए हम जोर शोर से टिकट की मांग करेंगे और टिकट लेके ही नहीं आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि क्योंकि महिलाओं को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत रहती है चुनाव में, क्योंकि वो धन फन नहीं कर पाती हैं जो आमतौर पर पुरुष करते हैं, तो उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम कांग्रेस से दिलाएं, जिसमें कि कुछ फंड भी उसको ज़्यादा दिलाएं, साथ ही साथ कोई ऐसे तेज पर्यवेक्षक वहाँ की उनके यहाँ रखें कि विरोध ना हो सके, सैबोटेज ना हो सके, जिसकी वजह से आमतौर पर महिलाएं हारती हैं। तो हर वो चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि महिलाओं को टिकट दिलाने के साथ जिताने तक जवाबदारी हमारी रहेगी। विधानसभाओं में इस बार महिला कांग्रेस जो रहेंगी उसके लिए किस तरह का तैयारी रहेगी और रोड मैप किस तरह का तैयार किया गया है? देखिए, विधानसभा चुनाव में मैं समझती हूँ कि महिलाओं की सबसे बड़ी जवाबदारी रहेगी कि वो UPA सरकार की जो योजनाएं हैं, जो UPA सरकार ने अधिकार दिए हैं, योजना ही नहीं अधिकार, खाद्य अधिकार दिया है उन्हें, राइट टू एजुकेशन दिया है उन्होंने, मनरेगा का अधिकार दिया है। ये योजना नहीं है कि एक सरकार आए दूसरी सरकार गई तो योजना खत्म हो गई। ये अधिकार है, चाहे कोई सरकार आएगी केंद्र में, ये अधिकार वो जनता से छीन नहीं सकती है। तो इन सब इशू को लेके वो घर घर जाएंगी, क्योंकि महिलाएं ऐसी कार्यकर्ता होती हैं जो घर के चूल्हे चौके तक पहुँच सकती हैं, महिलाओं को कन्विंस करा सकती हैं। और साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार है, जो आज प्रदेश सरकार केवल कागजों पे है, असलियत देखें तो गरीबी रेखा के हमारे यहाँ कार्ड नहीं बने, फूड सिक्योरिटी जो अन्नपूर्णा योजना है वो केवल कागजों पे है, वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही है, पेंशन हमारे गरीबों को नहीं मिल रही है, मनरेगा का पैसा उस क्षेत्र के नेता खा रहे हैं, विधायक और सब मिलके खा रहे हैं, सरपंच वरपंच के साथ मिलके खा रहे हैं, तो उनका जो उनको अधिकार है वो जो उससे वंचित रह रहे हैं, उन सब बिंदुओं पर घर घर जाके चर्चा करेंगी। और मैं समझती हूँ कि महिला कांग्रेस ने वो मेहनत कर डाली, तो इस प्रदेश की महिलाएं इस प्रदेश से इस सांप्रदायिक पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। हर बार देखा गया है कि प्रदेश में जो महिला कांग्रेस है वो बहुत कमजोर रहा है, तो अब उसे सशक्त करने के लिए अब आप किस तरह से प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं, महिला कांग्रेस तो बहुत सशक्त रहा है मध्य प्रदेश में, मैं खुद अध्यक्ष रही हूँ 8 साल, तो हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत महिलाओं को चुनाव लड़ने का भी मौका मिला, क्योंकि परिस्थितियां इतनी विपरीत थी कांग्रेस की कि 35 महिलाओं को हमने टिकट दिलाया था, उसमें से मात्र 5 जीत पाई थी, 2003 की बात मैं अब कह रही हूं आपको। तो ऐसा नहीं, महिला कांग्रेस यहां बहुत सशक्त है, महिलाएं बहुत सशक्त हैं, जरूरत है बस थोड़ा सा उनको और इस माहौल में और हिम्मत देने की और ताकत देने की, और आने वाले समय में निश्चित ही एक नया जोश के साथ वो उतरेंगी, क्योंकि सब खुश हैं कि पहली बार राहुल गांधी जी ने इस संगठन को अपने अंडर में लिया है। पहले यूथ कांग्रेस एनएसयूआई ही वो देखते थे, अब महिला कांग्रेस भी वो देख रहे हैं, तो एक नया जोश महिलाओं में आया है, और वो राहुल जी को इस जो तोहफा राहुल जी ने उन्हें दिया है उसके बदले में वो उन्हें मध्य प्रदेश सौंपना चाहती है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी शोभा जी, आपने अभी महिलाओं के सशक्त होने की बात की, चुनाव के लिए उनको सशक्त बनाने की बात की, लेकिन जब चुनाव हुए थे पिछले बार आप भी लड़ी थी चुनाव में और आपने काफी 3 बार आप हार चुके हो, तो फिर उस आपको ही देख के महिलाएं सीखेंगी, तो फिर किस तरह से अब आप उनको बने? देखिए, जो मेरी 3 बार की हार थी, तीनों हार मैंने विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा। मैंने जैसे कहा 2003 में परिस्थितियां इतनी खराब थी कांग्रेस की कि हम मात्र 32 विधायक बना पाए थे 230 में से, वही स्थिति करीब करीब पिछले बार भी थी, हम 72 बना पाए थे, पर उसका ये मतलब नहीं कि मेरी हार का कहीं उससे लेना देना है। जो मैंने आपको कहा कि महिलाएं जब चुनाव लड़ने जाती हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, मैंने जो आपको कहा कि एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ कोई भी महिला को किसी भी क्षेत्र में पुरुष बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो राजनीति तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ बर्दाश्त
करना बहुत मुश्किल होता है महिलाओं को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में जो महिला जो राजनीतिक परिवार से नहीं आती है, जो महिला सिर्फ नेता है, खुद अपने बल पे नेता बनी है, ऐसी महिलाओं को विशेष तौर पे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है चुनाव लड़ने में, और वही परिस्थितियों का सामना मुझे भी करना पड़ा। मुझे पार्टी के अंदर का बहुत विरोध सहना पड़ा, खुला विरोध सहना पड़ा, खुला सैबोटेज सहना पड़ा, और उसके रहते पिछली बार मैं बहुत कम वोटों से हारी, 5,000 मात्र वोटों से हारी, 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, 5,000 वोटों से हारी। उसके रहते जिन्होंने मेरे खिलाफ सैबोटेज किया था उनको पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी बाहर कर दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिन पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर मुझे गर्व है कि मैं 3 चुनाव इंदौर से लड़ी, और तीनों चुनाव में, पहले चुनाव में जितने से हारी उससे बहुत कम से दूसरे में हारी, और उससे बहुत कम से तीसरे में हारी, जो कि इस बात को दिखाता है कि शहर की जनता मेरा सम्मान करती, मेरा प्यार आज भी वहाँ जो जीते हुए प्रतिनिधि उनसे ज़्यादा प्यार और सम्मान इंदौर की जनता आज भी मुझे देती है। चुनाव जीतना हारना परिस्थितियों का खेल रहता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए जो दौर से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि महिला कांग्रेस की और कोई या कोई और महिला चुनाव लड़ते हुए गुजरे। इसलिए मैंने आपसे बात करी थी कि जो दनफन पुरुष करते हैं चुनाव में वो महिलाएं नहीं कर पाती हैं, इसलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम, हम टिकट तो दिलाएंगे महिलाओं को, साथ ही वो एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम लगाएंगे जो महिलाओं को जरूरत रहती है चुनाव जीतने के लिए। थैंक यू शोभा जी। तो फिर शोभा ओझा जी, जिन्होंने आज हमसे अपनी महिला कांग्रेस को लेकर सशक्तिकरण की सारी बातें उन्होंने शेयर की, और उन्होंने ये भी बताया कि अब जो राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लिए जो गाइडलाइन दी है और जिस तरह से सशक्त बनाने के लिए एक नीति बनाई है उस पर वो काम करेंगी, और महिलाओं को प्रदेश में महिला कांग्रेस को विशेषकर मजबूत करेंगी। EMS के लिए वैष्णवी चौधरी की रिपोर्ट।